देखो कई बार हमें ये प्रश्न आता है कि यार हमारा जॉब भी अगर टेक में होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन कोडिंग नहीं सीख पाते हैं तो क्या हमारे लिए कोई रास्ता है? हमें प्रोग्रामिंग नहीं सीख पा रहे हैं तो रास्ता है, और आज इस वीडियो पर बहुत विस्तार से हम उस रास्ते के बारे में बात करेंगे। पहले लेकिन ये समझना जरूरी है कि जब हम टेक जॉब सोचते हैं तो टेक जॉब का मतलब क्या होता है। एक तरह से आप टेक जॉब विजुअलाइज करते हो कि यार एसी हो, बढ़िया खाना हो पेंट्री वेंट्री में, है ना, अच्छे टेबल वेबल हो, आप तैयार होकर जाएं, लैपटॉप पे काम करें, मतलब शारीरिक श्रम और कारखाने की परिस्थितियों में आपको काम ना करना पड़े। ये एक डेफिनेशन है टेक जॉब का। दूसरा एक और विजुलाइजेशन है टेक जॉब का कि ऐसा जॉब हो जो समय के साथ जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही हो। हम सबको पता है कि समय के साथ सारे जॉब्स कंप्यूटर की तरफ मूव करते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज के समय में हर एक मॉडर्न वर्कर जो होता है वो कंप्यूटर के साथ ज्यादा काम करता है और वो टेक के साथ ज्यादा काम करता है। तो ऐसी कंपनीज जो टेक कंपनीज हैं, जैसे हम कहते हैं गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और उस तरह की बहुत सारी टेक कंपनीज हैं, टीसीएस है, इंफोसिस है, और आज के समय में तो जो ई-कॉमर्स है, जो ई-कॉमर्स नहीं भी है वो भी एक हद तक टेक कंपनी होती जा रही है, क्योंकि वो टेक इंटीग्रेशन कर रही है, टेक ट्रांसफॉर्मेशन की लहर चल रही है कंपनीज में। इन टेक डिपार्टमेंट्स में, इन कंपनीज में क्या हमें एक जॉब मिल सकती है? लेकिन शर्त ये है भैया कि कोडिंग नहीं सीखनी। कोई बात नहीं, करियर बन सकता है बिना प्रोग्रामिंग के भी टेक में। फायदा ये है टेक में इस तरह का करियर बनाने का कि आपके जॉब की डिमांड, आपके स्किल की डिमांड बढ़ती जाती है, और जब आपके जॉब की डिमांड, आपके स्किल की डिमांड समय के साथ बढ़ती जाती है तो आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। लंबी लकीर सीरीज में ऐसे ही करियर्स की तलाश होती है जहां पर ए बहुत सारा डिमांड हो, बी घुसना बहुत आसान हो, और सी जहां एक लंबा बढ़िया सुंदर करियर बने, करियर का ग्राफ ऊपर जाते रहे। तो आज हम आपके लिए वैसा ही एक करियर लेके आए हैं, डेटा एनालिस्ट का। कहते ना कि वो हाथी इन द रूम, हमारे इंग्लिश में कहावत है एलिफेंट इन द रूम, कि भैया कोडिंग नहीं आएगी तो डेटा एनालिस्ट कैसे होगा। हम तो डेटा एनालिस्ट का जो भी कोर्स देखते हैं सब में बहुत कोडिंग बोला जाता है, पाइथन बोला जाता है, आर बोला जाता है, ठीक है, बट डेटा एनालिस्ट के जॉब के लिए आपको इतनी ज्यादा प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती है। ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होती है, उसके बारे में थोड़ी विस्तार से बात कर लेंगे हम लोग। लेकिन जो ये आर और पाइथन लैंग्वेजेस है ना, ये बड़े इंग्लिश वाले लैंग्वेजेस हैं, और आपको यहाँ प्रोग्रामिंग कम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कम, बशर्ते स्क्रिप्टिंग ज्यादा करनी पड़ती है। स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कि एक छोटा सा कोड लिखा और उससे वो डेटा कहीं से ले आया, उसने डेटा को थोड़ा क्लीन कर दिया, डेटा को थोड़ा अरेंज कर दिया, और ऐसे स्क्रिप्ट्स आपको लिखे हुए भी मिल जाते हैं तो आपको उसको थोड़ा मोड़ा मॉडिफाई करना होता है, कॉलम नेम को आगे पीछे करना, कॉलम के इंडेक्स को आगे पीछे करना पड़ा, तो कोड देखकर आप समझ जाते हो। मतलब शुरू से बेस से बहुत सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करना पड़ता है, डीएसए तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं पड़ती इसके लिए, तो डुएबल है। लेकिन ये जो करना है ये भी 10% ही है आपके जॉब का। 90% काम जो है वो एक्सेल पे, एसक्यूएल पे और टैबलू पे होता है। एक्सेल पे हम बहुत सारा काम करते हैं दिन का, बहुत सारा प्री प्रोसेसिंग करते हैं, एसक्यूएल से हम बहुत सारा डेटा निकालते हैं, और टैबलू पर हम बहुत सारा विजुलाइजेशन बनाते हैं। टैबलू भी हो सकता है और पावर बीआई भी हो सकता है। जब मैं टैबलू बोल रहा हूं तो मेरा मतलब एक विजुलाइजेशन टूल है, ठीक है। तो क्योंकि काम ज्यादा दिन का यहां है, कोडिंग में नहीं, तो इसलिए कोडिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसके पहले कि हम अगले टॉपिक पे जाएं, एक और चीज जो छूट रही है वो बताना चाहते हैं आपको कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा एंड बिजनेस। अंग्रेजी में बड़ा सुंदर लगा सुन के, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आप अगर डेटा एनालिस्ट हैं तो आपको बिजनेस की समझदारी होनी चाहिए। अगर टी शर्ट का बिजनेस है तो उसकी समझदारी होनी चाहिए। टी शर्ट के बिजनेस में कितना रिटर्न आता है उससे आपका प्रॉफिट और लॉस बहुत ऊपर नीचे जा सकता है। अगर चाय का बिजनेस है तो उसकी समझदारी होनी चाहिए। चाय के बिजनेस में कप कितने वेस्ट हो रहे हैं, दूध कितना फट रहा है, इन चीजों में भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत अंतर पड़ सकता है। तो बिजनेस की समझदारी भी यहां बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए ये रोल्स जो होते हैं डेटा एनालिस्ट के, वो अलग अलग तरह के होते हैं। ऐसा नहीं कि सब रोल डेटा एनालिस्ट के एक ही होते हैं, ठीक है। डेटा एनालिस्ट के अलग अलग नामों से भी जाना जाता है इनको। कहीं फाइनेंशियल एनालिस्ट बोल के पूछा जाता है जहां फाइनेंस डोमेन की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, कहीं मार्केटिंग एनालिस्ट बोल के बोला जाता है जहां उनको मार्केटिंग डोमेन की ज्यादा नॉलेज होती है, कहीं बिजनेस एनालिस्ट भी बोलते हैं जहां उनको अलग अलग प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय किया जाता है अलग अलग बिजनेसेस के लिए, और एक दो साल तीन साल एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं क्योंकि वहां पे उनको डोमेन अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होती है। तो डोमेन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, और इसलिए क्योंकि एक्सेल, एसक्यूएल, टैबलू और डोमेन चारों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, प्रोग्रामिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। अब आप पूछोगे कि भैया डेटा एनालिस्ट की अपॉर्चुनिटीज कहां कहां है। इसके बारे में हमने अभी अभी कहा था कि आज के समय में हर कंपनी, चाहे वो हेल्थ केयर हो या फाइनेंस सेक्टर हो या पेट्रोलियम हो, हर कंपनी आज के टाइम पे डेटा एनालिस्ट ढूंढ रही है। क्यों? क्योंकि हर कंपनी में आज के समय बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है, और ये मैं नहीं, हर कोई कह रहा है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। लेकिन ऑयल का मतलब क्या?
क्या होता है, लगाना थोड़ी है, पहले डिग करके निकालना होगा, उसके बाद तो उससे कुछ होगा। तो ये डिग करके निकालने वाला जो काम है वो डेटा एनालिस्ट करता है। एक एग्जांपल के देखिए, पहले आप जब अस्पताल जाते थे तो आप एक कागजी फॉर्म भरते थे, ठीक है, और कागजी फॉर्म में डॉक्टर देखता था, डॉक्टर उसको लिख देता था ऐसे ऐसे करके। आजकल सारा का सारा जब आप एक हॉस्पिटल जाते हैं, यस देयर इज पेपर वर्क, बट एट द सेम टाइम उतना ही डेटा डिजिटाइज कर दिया जा रहा है। आपका चेक इन से लेके आपके जो प्रिस्क्रिप्शन है, सारा का सारा डेटा डिजिटाइज किया जा रहा है। आज के टाइम पर आप एक होटल में जाते हैं तो होटल की बुकिंग ऑनलाइन होती है, एयरप्लेन में जाते हैं तो उसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है, होटल में घुसते हैं तो क्या ऑर्डर करते हैं, क्या बिल बनता है, सारा का सारा डेटा ऑनलाइन हो रहा है, यानी कि हर कुछ कंप्यूटर पर हो रहा है। और जब आपके पास इतना सारा डेटा होता है तो उसमें बहुत सारे एक्शनेबल इंसाइट्स होते हैं, जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि उसमें से निकाले और बिजनेस को हेल्प करे अपना प्रॉफिट, अपना मार्जिन, अपना ऑपरेशन बेटर करने के लिए। तो आप कहोगे भैया देखिए आपने बहुत सेल कर दिया है, डेटा एनालिस्ट सब समझ गए, कोडिंग भी नहीं चाहिए, बहुत रिक्वायरमेंट भी है, टेक का जॉब भी है, वाह भैया वाह, थोड़ा ये भी बता दीजिए कि इसमें घुसे कैसे। तो ये पहले बता देता हूँ कि ये जो कोर्सेज बाहर हैं, जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, इससे तो बहुत मुश्किल है डेटा एनालिस्ट की जॉब लगना, ठीक है। डेटा एनालिस्ट का जो काम है, हमें प्रोजेक्ट भी वैसे बनाने होंगे। और हम हमेशा ये बात करते हैं लंबी लकीर में कि सबसे आसान तरीका क्या है किसी जॉब को पाने का, दिखा सको कि मैं ये काम कर सकता हूं। और दिखाओगे कैसे, आज के समय में आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए। डेटा एनालिस्ट किस चीज पे काम करता है, दो चीजों पर, एक डेटा पर, दूसरा एनालिसिस टूल्स पर। दोनों आपके लिए फ्री है, गूगल शीट भी फ्री है, डेटा भी बहुत सारा फ्री है। डेटा कहां से आ सकता है, डेटा देखो यार कैगल से आ जाता है, डेटा बहुत सारा कैगल पे पड़ा है, रियल डेटा पड़ा है, यूएस गवर्नमेंट साइट्स पे बहुत सारा डेटा पड़ा है, इंडिया गवर्नमेंट साइट्स पे बहुत सारा डेटा पड़ा है। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज अपना डेटा शेयर करती है हैकाथॉन्स वगैरह में, तो डेटा ऑनलाइन रखा रहता है, और सोशल मीडिया एपीआईज में इतना सारा डेटा पड़ा है। तो आज के टाइम पे डेटा का एक्सेस का बहाना आप नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि भैया डेटा एनालिस्ट बनने का मन तो बड़ा है पर हमें कोई एक मौका ही नहीं दे रहा है। आपके पास तो पूरा मौका है, इंटरनेट है आपके पास, डेटा हमने बता दिया कहां से। अब आप बोलोगे भैया डेटा तो बता दिया, इस पे थोड़ा बताइए करें क्या, वो ही बताते हैं आपको। अगर आपको डेटा एनालिस्ट का जॉब भा रहा है और आप चाहते हैं कि हम इस पर और एनालिसिस करके और डेटा लाएं, तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए कि भैया वीडियो देखकर बहुत मजा आया, आपके वो कमेंट देख के दिल हमारा गार्डन गार्डन यानी बाग बाग हो जाता है। फिर एक प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है किसी कंपनी के लिए, अपने सेल्स को, अपने रेवेन्यू को एनालाइज करना कि सेल्स कहां से आ रही है, कौन सा दुकान अच्छा कर रहा है, कौन सा मैनेजर अच्छा कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय अच्छा कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है, कौन सा रीजन अच्छा कर रहा है, कौन सा डिस्काउंट कूपन अच्छा कर रहा है, सब कुछ फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन होता क्या है, होता बस एक चीज है आपके पास, सेल्स का डेटा कि यार ये सामान बिका, इस दिन बिका, यहां बिका, वहां बिका, ऐसे करके आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। और अब इस डेटा से अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा मेरा प्रोडक्ट कौन सा बिक रहा है, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किस रीजन में बिक रहा है, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सबसे अच्छा सेल्स मैनेजर कौन है, तो मैं ये सारे चार्ट्स बना सकता हूँ, ये सारे टेबल्स बना सकता हूँ। इससे मुझे क्या फायदा है, इससे मैं देख सकता हूँ कि अगर ये प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है तो मैं इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ा दूं, अगर ये प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है तो मैं इसकी कॉस्ट को कम कर लूं ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, अगर ये प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है और इस तरह के कस्टमर्स के साथ बिक रहा है तो मैं उसी तरह का प्रोडक्ट बाकी कस्टमर्स को भी दिखाऊं, प्रमोशनल ऑफर्स चलाऊं, और जो नहीं बिक रहा है उसको शायद मैं आगे लाऊं, उसके बारे में रिसर्च करूं, कस्टमर से बात करूं कि ये प्रोडक्ट आपको क्यों नहीं पसंद, क्या जरूरत है, या शायद उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दूं। तो एनालिसिस का देखो आप कितना फायदा है, और ये तो मैंने मतलब लिटरली 2 मिनट बता दिया आपको। ये जो एनालिसिस आप करके लाओगे और ये इनसाइट्स आप करके लाओगे तो आपको एक रिपोर्ट थोड़ी सी बनानी पड़ेगी कि हमने ये रिपोर्ट बनाया इस डेटा पे और ये एक शानदार प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आपने एक्सेल में डेटा क्लीनिंग कर ली, इसके बाद आपने बोला कि देखो भैया हमें जो है वी लुकअप लगाना भी आता है, इसके बाद देखो हमने फॉर्मूला भी लगा लिया, डेटा स्प्लिटिंग भी कर लिया, इसके बाद और क्या किया, और क्या किया, अरे टेबल्स भी लगा लिए, क्वेरीज भी लगा लिए, पिवट टेबल भी बना दिया। तो यार देखो एक प्रोजेक्ट में तुमने कितना कुछ दिखा दिया। तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हें बोलना नहीं है कि हमें आता है, क्योंकि वो तो सबको ही बोल सकते हैं ना, मैं भी बोल सकता हूँ, तुम्हें बोल सकते हो कि आता है, आता नहीं है, हमें दिखाना है कि हमें क्या आता है, ठीक है। तो दिखाएं कैसे प्रोजेक्ट बना के, तो ये एक प्रोजेक्ट हुआ। ऐसे हम 4-5 प्रोजेक्ट्स और बना सकते हैं। हमने एक सेल्स का डेटा देखा, अब हम एक मार्केटिंग का डेटा देख सकते हैं कि यार एड चला, हर किसी का एड चलता है, एड चला, कितने इंप्रेशंस हुए, कितने क्लिक्स हुए, कितने कन्वर्जन हुए, कौन सा एड अच्छा कर रहा है, कौन सा एड अच्छा नहीं कर रहा है, कौन से एड का कस्टमर जो आया वो रिपीट आया, कौन से एड का कस्टमर आया एक सामान खरीदा बट कभी आया नहीं, कौन से एड का कस्टमर आया कार्ट में एड किया लेकिन कभी आया नहीं। देख रहे हो कितना डेटा है, और इस सारे डेटा पे तुम एक्शंस ले सकते हो, है ना, कि कौन सा एड अच्छा है उसको ज्यादा
चलाओ, उसका बजट बढ़ाओ, कौन सा एड अच्छा नहीं कर रहा उसको हटाओ, जो एड अच्छा कर रहा है वैसे दो चार और एड बनाओ, वो मैसेजिंग हमारी काम कर रही है। तो आज के जमाने में आपको इतना इनोवेटिव होने की जरूरत नहीं है जितना ये जरूरत है कि आप क्विक एक्सपेरिमेंटेशन कर सको। और क्विक एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, बिल्कुल सही है, आपने डेटा एनालिसिस ही चाहिए। इतना ही नहीं है, आप एक और प्रोजेक्ट बना सकते हो, इसमें एबी टेस्टिंग की एनालिसिस करनी। एबी टेस्टिंग क्या होता है, यार देखो मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं, तो मैंने दोनों प्रोडक्ट को अभी पूरा बनाया नहीं, मार्केट में उतार दिया। सिंपल एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट हमने बनाई जिसमें मैसेजिंग ये रखा सामान को बेचने के लिए, एक और वेबसाइट बनाई जिसमें हमने मैसेजिंग कुछ और रखा सामान को बेचने के लिए। हम देखना चाहते हैं कि कौन सा मैसेजिंग कस्टमर को ज्यादा अच्छा लगता है। हमने एक ही एड चलाया और दोनों तरफ आधी आधी ट्रैफिक भेजी, अब कौन सा सामान ज्यादा बिका, कौन से वेबसाइट पर ज्यादा देर एक्टिविटी रही। हीट मैप से हम ये भी देख सकते हैं कौन से वेबसाइट पे कस्टमर ज्यादा देर रहा, कहां रुका, कहां क्लिक किया, स्क्रॉल कितनी बार किया, यार कितना सारा डेटा जनरेट हो जाता है फट से। बट फिर किसी को बैठ के इसको एनालाइज करना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, कौन करता है ये। बिल्कुल सही जवाब, डेटा एनालिस्ट करता है। और ऐसा प्रोजेक्ट भी आप बनाकर अपने रिज्यूमे में, अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। ये तो हो गई बेचने वाली बात, अब हम एक और तरह का डेटा देख सकते हैं, जैसे कि एचआर डेटा। एचआर डेटा में क्या होता है कि यार किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, किसने कितनी छुट्टियां ली, किसने कितने घंटे काम किया, टोटल ऑर्ग जो है उसमें कितना खर्चा हुआ, ट्रैवल में कितना खर्चा हुआ, उसके ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, उसके बाद ऑर्ग के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ, मैनेजर्स के अंदर कितना खर्चा हुआ, मैनेजर्स के अंदर एफिशिएंसी क्या है, कितना सारा है। क्यों क्यों चाहिए ये? इसलिए कि अगर मेरे पास 500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा अच्छा कर रहा है, कौन सा खराब कर रहा है। अच्छा वाला अच्छा क्यों कर रहा है उससे हम सीख सकते हैं, खराब वाला खराब क्यों कर रहा है समझ सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। और ये कौन करेगा? सही जवाब, डेटा एनालिस्ट करेगा। तो आप देख रहे हो कि हर जगह कंपनी के हर काम में डेटा एनालिस्ट घुस सकता है, और इसीलिए इस टेक जॉब की डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है। ये सब मशीन लर्निंग नहीं करेगा, ठीक है, ये सब डेटा एनालिस्ट करेगा। तो इस तरह के और प्रोजेक्ट्स भी आप सोच सकते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एनालिसिस कर सकते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट खरीदता है, किस तरह की चीजें खरीदता है, कैसा यूज करता है, ताकि आप समझ सके कि यार दिवाली के टाइम पर अगर हम ये चलाएंगे तो नॉर्थ इंडिया में ये सामान बहुत बिकेगा, गणेश उत्सव के समय ये चलाएंगे तो महाराष्ट्र में ये सामान बहुत बिकेगा, अगर ओणम के टाइम पर हम ये प्रमोशन चलाएंगे इन प्रोडक्ट से ऊपर तो वो केरला में ज्यादा बिकेगा। तो ये जो सेंस है जियोग्राफी का, कस्टमर का, टाइमिंग का, डिस्काउंट का, प्रोडक्ट का, कौन सा प्रोडक्ट चलाना है, ये सब कहां से आता है? सही जवाब, डेटा एनालिस्ट से आता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाओ बंधु। इन प्रोजेक्ट्स में क्या फायदा है कि आप दिखा रहे हो कि देखो मैं डेटा में स्लाइसिंग, डाइसिंग, लुकअप, क्वेरीज, प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग, विजुअलाइजेशन सब कर सकता हूं। बहुत पावरफुल चीज है यार, बहुत पावरफुल चीज है ये सब। ये प्रोजेक्ट्स अगर आज किसी के पास हो, तुम लोग में से किसी के पास भी हो और तुम लोग कर सकते हो, तो पहले तो मुझे ही बता देना और मैं ही तुम्हें हायर कर लूं, क्योंकि ऐसे लोगों की तो भरपूर कमी है। हम कितने भी जॉब ओपनिंग्स निकालते हैं, इस तरह के बच्चे हमें नहीं मिलते। वही आ जाते हैं, भैया ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस बनाया, क्या करें हम ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस का, क्या करें, अचार डाले, पापड़ सुखाएं उसके ऊपर। हमें तो ये चाहिए ना कि कस्टमर सेगमेंटेशन कर सकते हो कि नहीं, हमें तो ये चाहिए ना कि मार्केटिंग का एनालिसिस कर सकते हो कि नहीं, हमें तो ये चाहिए ना कि एबी टेस्टिंग कर सकते हो कि नहीं। तो ऐसे एमएल के जो प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हो, क्योंकि यू नो वही बिक रहा है तो वही बेचा जा रहा है, तो बिक तो इस देश में बहुत कुछ रहा है। आप तो सही बनो, अच्छे इंसान बनो, बढ़िया है ना, देश के अच्छे नागरिक बनिए। बनिए मतलब वो बनिए नहीं जो बनिए होते हैं, बनिए मतलब बिकम, समझ रहे हैं। अब जब आपने ये प्रोजेक्ट बना लिया है तो रेज्यूमे में कुछ गलतियां मत कीजिएगा, इसके बारे में हम 2 मिनट बात कर लेंगे, ठीक है? क्या मैगी चढ़ा कर आई है 2 मिनट में, ये बात हो जाएगी? फिर भी मैं किसको बेवकूफ बना रहा हूं, मैगी के भी 2 मिनट तो बनती नहीं है। एनीवे, टॉपिक पे आते हुए, क्या गलती आप रेज्यूमे में न करें? तो देखिए होता क्या है, हमने देखा एक डेटा एनालिस्ट का जॉब और उसने लिखने वाले में तो पूरा लिख दिया कि भाई ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। उसको भी पता है कि कुछ मिलने वाला तो है नहीं। आपने अपना रेज्यूमे देखा, आपने कहा अरे तने भैया ने कहा था हमने तो बस इतना ही सीखा, हमने तो टैबलू सीखा, एसक्यूएल सीखा, एक्सेल सीखा, एक्सेल में ये सारी चीजें सीखी और हमें डेटा क्लीनिंग भी आती है, लेकिन इसमें ये जो लिखा हुआ है हम भी ऐसा करते, अपने रिज्यूमे में उसको ऑगमेंट कर देते हैं, डाल देते हैं। वहीं पर आप पहली गलती करते हो। नहीं, जब आपके पास डेप्थ है, जब आपके पास डेप्थ की लंबी लकीर है, जब आपके पास प्रोजेक्ट्स टू शोकेस हैं, तो वाइड क्यों जा रहे हो? वाइड तो हर कोई जा रहा है ना, आपको तो डीप जाना है। आपको क्या करना है, रिज्यूमे को पूरा भरना है अच्छे से, प्यार से। 5 प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं, प्रोजेक्ट्स में क्या बनाया, क्या विजुअलाइजेशन किया, क्या इनसाइट्स आए, क्या एक्शनेबल आइटम्स निकले, सब लिखो यार प्यार से, धीरे धीरे करके। इस पे भी वीडियो बनाएंगे, अच्छा रिज्यूमे कैसा दिखता है ये भी लेकर आएंगे, अगर आप कमेंट करोगे तो। पर टॉपिक पे वापस आते हुए, आपको तो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करनी है ना, क्योंकि आपने तो इनमें 4 महीने लगाया है ना ये चीजें सीखने में और बनाने में, तो टॉक अबाउट दैट ना, उसके बारे में बात करो। जब कोई वो रिज्यूमे देखेगा, किसी भी एचआर को, हायरिंग मैनेजर को वो रिज्यूमे देखेगा कि यार देखो इसने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, प्रोजेक्ट्स को होस्ट करके छोड़ दिया है। होस्ट करने का क्या मतलब है? अरे गूगल शीट में बनाओ या एक्सेल में बनाओ, सब ऑनलाइन होस्ट हो सकता है, गूगल ड्राइव में डाल के रख सकते हो, बता सकते हो कि यहां जाके देख लो। ऐसे बच्चे नहीं मिलते, तुम इतने
सारे लोग हो तुम लोग, दिल पे हाथ रख के बताओ यार, तुम लोग डेटा एनालिस्ट में कितने लोगों ने अच्छे से इतने सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, होस्ट किए हैं कि कोई भी देख सके? सब वही टाइम पास, वही कॉपी, वही पेस्ट कर रहे हो। तुम ये गलती मत करना। अगर सब कुछ शुरू से जैसा मैंने कहा वैसा फॉलो कर रहे हो तो फिर लास्ट मोमेंट में मन में ये संशय मत ले आना कि शायद मेरा रिज्यूमे ही सिलेक्ट नहीं होगा, कहीं 4 बार 5 बार नहीं हुआ तो बोलोगे इसीलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर वो करोगे तो प्लीज मेरा रंगा सीआर वाला वीडियो देखना है, इधर लगा दूंगा मैं रंगा सीआर का वीडियो, क्योंकि रंगा सीआर हमें यही सिखाता है कि गलती से अगर कहीं पहुंच भी गए तो जिस दिन पकड़ा जाओगे उस दिन मारे जाओगे। रंगा सीआर नहीं बनना भाई, सही से करोगे काम, लंबी लकीर बनाओगे तो करियर भी अच्छा बनेगा, जॉब भी अच्छी लगेगी, कोई टेंशन भी नहीं रहेगा झूठ बोलने का। तो देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, डेटा एनालिस्ट का जॉब का डिमांड बढ़ रहा है, उस पर आप लंबी लकीर बना सकते हैं, कोडिंग की जरूरत नहीं है और बहुत कम चीजें सीखनी है, अच्छे से सीख के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। बस अगर आप इन 5 चीजों का ध्यान रखोगे तो एक अच्छा करियर घर बैठे, अगेन किसी की परमिशन नहीं चाहिए, अपने को परमिशन नहीं मांगता, मांगता है डेटा, मांगता है एनालिसिस, वो करके दे दो, क्या सही करियर बनने का चांस है। और अगर ऐसा करियर बना नहीं रहे हो तो हम लोग तो इस पे और वीडियोस ला ही रहे हैं, तो शेयर करोगे क्यों नहीं, सब्सक्राइब क्यों नहीं करोगे, अभी तक सब्सक्राइब का बटन क्यों नहीं दबाया, और फिर एक कमेंट क्यों नहीं करोगे भैया वीडियो देख के तो बड़ा मजा आया, और हाँ लाइक भी कर देना।